सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन। नमस्कार, एमएचपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। राम मंदिर मामले पर देश की सबसे बड़ी अदालत में एक लंबे इंतजार के बाद आज सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद फिर से तारीख मिली है 10 जनवरी। अब इसको इस पर आगे सुनवाई होगी, नई बेंच बनेगी, आगे सुनवाई बढ़ेगी। हम चर्चा करेंगे, हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार जी जुड़ गए हैं। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है सर एमएचपी न्यूज पर। जी धन्यवाद। जी आलोक जी, एक और सुनवाई, एक और तारीख, क्या इस तरह से ही अभी आपको भी इंतजार है? हमारा इंतजार तो 69 साल से चल रहा है जी। 1950 से ये मुकदमे चल रहे और 2011 से हम सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े हैं, इसलिए हमारा तो इंतजार ये बहुत लंबा हो गया है। आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि 10 तारीख को एप्रोप्रिएट कोर्ट के सामने आएगा। ये एप्रोप्रिएट कोर्ट का गठन तो 29 अक्टूबर की सुनवाई के पहले किया जा सकता था जी। इसके लिए 2 तारीखें खराब करने की जरूरत नहीं थी। इसलिए हम लोग इस मत पर पहुंचे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की इंतजार एक अनिश्चितकालीन इंतजार है, लगभग अनंत काल तक की इंतजार है। और विश्व हिंदू परिषद ने इसलिए आग्रह किया है विपुल जी कि संसद कानून बनाए, सरकार कानून लेकर आए और इस सरकार के इसी कार्यकाल में यह कानून पास होकर के राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनाने का रास्ता साफ हो। लेकिन आलोक जी, इसकी संभावना तो नजर नहीं आ रही है। जो आपकी ये इच्छा है, खुद प्रधानमंत्री इंटरव्यू में कह चुके हैं, और जो सत्र है वो भी अब जो 2-3 दिन का जो बचा है, ऐसी कोई संभावना नजर नहीं आ रही है? हम लोग तो निराश नहीं है जी। ये सत्र 8 को समाप्त हो जाएगा और फरवरी के आखिर में दोबारा संसद बैठेगी। प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य मैंने देखा है, लोकतंत्र में लोक का यह अधिकार है कि जिनको चुनकर भेजा है उनको अपनी बात कहे और दोबारा भी कहे। ठीक। विश्व हिंदू परिषद संतों के साथ मिलकर प्रधानमंत्री पर यह आग्रह बनाएगी कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार ना करें और अपने इसी कार्यकाल में यह पुण्य कार्य पूरा करें कि संसद में कानून बनाकर राम मंदिर बनाने का रास्ता हो। जी आलोक जी, लेकिन जो आप आग्रह की बात कर रहे हैं, जो 9 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में हुआ, साधु समाज के सामने जो विशाल भीड़ थी, जो लोग एकत्रित किए, आपने जो दिन रात मेहनत की थी, क्या उससे कोई दबाव बन पाया? आप तो कह रहे थे दबाव बनेगा, लेकिन क्या ऐसा कुछ होता हुआ नजर आया? वैसी रैली हमने पूरे भारत में की है जी। अभी तक 350 संसदीय क्षेत्रों में की है। अधिकांश सांसदों से हम मिले और मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के सांसदों से भी अगर सीक्रेट बैलेट से पूछा जाए तो राम जन्मभूमि के पक्ष में एक भारी बहुमत आएगा। सीक्रेट क्यों? इसलिए प्रधानमंत्री जी को हम दोबारा कहने वाले हैं कि अपना मत बदलिए, आपने राम मंदिर पर अपना निश्चय दोबारा व्यक्त किया है, हमको संतोष है इस बात से कि आपका कमिटमेंट है। टाइमिंग के बारे में हमारी आपकी सहमति नहीं हो रही है, उस टाइमिंग को बदल के सुप्रीम कोर्ट का इंतजार किए बगैर अभी कानून लेकर आए, ऐसा हम कहेंगे
और आशा करेंगे कि हम उनको मना पाएं। जी, आप कह रहे हैं कि आप लगातार सांसदों से मिल रहे हैं, क्या वाराणसी और अमेठी के सांसदों से मुलाकात हुई है या होनी है? अमेठी और रायबरेली के सांसदों से मिलने के लिए अमेठी और रायबरेली की विश्व हिंदू परिषद ने उनको पत्र लिखकर समय मांगा है। समय मिलेगा तो मिलने जाएंगे जी, और वाराणसी के सांसद से भी मिलेंगे। आलोक जी, लेकिन देखिए, क्योंकि प्रश्न ये भी है कि ये जो परिस्थिति है, आपको क्या लग रहा है? आप कह रहे हैं कि अब और इंतजार नहीं, तो क्या आपको लग रहा है कि जैसे इस वक्त उत्तर प्रदेश में या केंद्र में बीजेपी की सरकार है, अभी नहीं तो कभी नहीं जैसी स्थिति में है क्या आप? कभी नहीं तो नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारा संकल्प है कि विजय तक संघर्ष करेंगे। पर हमको ये लगता है कि दोनों जगह पर बीजेपी की सरकार होने के कारण बीजेपी का पालमपुर का प्रस्ताव कानून के लिए था, इस कारण आडवाणी जी की रथ यात्रा कानून के लिए थी, इस कारण, और 2014 के मैनिफेस्टो में राम जन्मभूमि मंदिर के लिए सब प्रयत्न करने का वायदा किया है, इसलिए केंद्र में और उत्तर प्रदेश में मंदिर के लिए सबसे अनुकूल लोगों की सरकार है। हम यह आशा अभी भी बांधे हुए हैं। नहीं सर, कहा तो वही जा रहा है ना कि कानून के फैसले के इंतजार के बाद संविधान के दायरे में होगा, ये तो सभी पार्टियां कह रही थी, तो इस बार क्या नया बदल गया, ये भी तो वही कह रहे हैं। संविधान के दायरे में तो हम भी स्वीकार कर रहे हैं जी। अंतर इतना है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, हम उन्हें कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी इतना लंबा इतना अनिश्चित जनता स्वीकार नहीं करेगी, इसलिए आपका जितना कार्यकाल बचा है इस बार का उसी में कर दीजिए। नहीं सर, आलोक जी, क्योंकि देखिए संत समाज तो आपके आह्वान पर रामलीला मैदान में भी जुटा, देश भर में जहां जहां आपने कार्यक्रम किए, प्रभात फेरियां की, रैलियां निकाली, अब फिर संत समाज क्या दोबारा से अपील करेगा? आगे आपकी रणनीति क्या है? हम लोगों ने अभी जो जनवरी का कार्यक्रम बनाया है उसमें तो देश की सभाएं पूरी करने का, सांसदों से मिलने का है, पर यह बात ठीक है कि आगे की रणनीति बनाने की आवश्यकता है। विश्व हिंदू परिषद ने इस लड़ाई को अंत तक लड़ने का तय किया है, पर उसकी रणनीति क्या होगी, उसका कार्यक्रम क्या होगा, ये संतों ने तय करना है। उच्चाधिकार समिति में 5 अक्टूबर को संतों ने आदेश दिया था कि राष्ट्रपति से मिलो, राज्यपालों से मिलो, सांसदों से मिलो, अनुष्ठान करो। ये चारों काम पूरे हो गए। अब 31 जनवरी और 1 फरवरी को प्रयागराज में कुंभ के अवसर पर धर्म संसद होगी। इस धर्म संसद में 2000 से अधिक संत आते हैं। हम उनको वर्तमान पूरी परिस्थिति का निवेदन करेंगे और आगे क्या करना है इसके लिए आदेश मांगेंगे जी। संत जो रणनीति हमें बताएंगे, विश्व हिंदू परिषद प्रतिज्ञाबद्ध है कि उसके अनुसार चलेगी जी। आलोक जी, क्या धैर्य जवाब दे रहा है अब, क्योंकि संघर्ष आपने बहुत लंबा किया है, नतीजा नहीं आ रहा है, तो क्या वाकई अब धैर्य जवाब दे चुका है? जवाब दे रहा है वाली बात ज्यादा ठीक है, अच्छा, दे चुका है वाली बात उतनी ठीक नहीं है। ठीक, पर यह बात है कि आध्यात्मिक धार्मिक लड़ाई
जिस ऊर्जा में से उत्पन्न होती है वो रास्ते में आने वाली बाधाओं को सहन करने की शक्ति भी देती है। हम बिना निराश हुए, बिना थके हुए, उत्साहपूर्वक इस काम को पूरा करके दिखाएंगे। नहीं, आपने बाधाओं की बात की है, जब आपसे आप ही कह रहे हैं कि केंद्र में और उत्तर प्रदेश में अनुकूल विचारधारा वाली सरकार है, ऐसे में ये कहना कि कांग्रेस बाधाएं पैदा कर रही है, इसे कैसे स्वीकार किया जाए? इसलिए कि इसका प्रमाण है जी, दीपक मिश्रा जी की बेंच इस मामले को गंभीरता से सुन रही थी। हम और आप परिचित हैं कि कपिल सिब्बल जी देश के बड़े वकील हैं, कांग्रेस के सांसद थे, मंत्री थे। उन्होंने ओपन कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश से कहा था कि इन अपीलों को 2019 के चुनावों के बाद सुनिएगा। और जो देश में आज तक नहीं हुआ और जो नहीं होना चाहिए था, दुर्भाग्यपूर्ण था कि बिना किसी आधार के, बिना किसी प्रमाण के, केवल दबाव लाने के लिए मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ इंपीचमेंट का प्रस्ताव लाया गया, उनको हटाने का प्रस्ताव लाया गया। चार जजेस कोर्ट के समय में से अपने कोर्ट छोड़ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने गए। मैं समझता हूं कि ये तीनों काम, दो तो प्रत्यक्ष कांग्रेस ने किए, तीसरा कांग्रेस के समर्थन से हुआ। और इसलिए जब मैं कहता हूं कि कांग्रेस बाधा डाल रही है, मैं इसको सब प्रमाण कहता हूं। नहीं तो ठीक है, इसमें ऐसा भी कई बार लगता है कि क्या राजनीति से प्रेरित होकर ये बातें की जा रही हैं? कांग्रेस जो विरोध कर रही है, मैं राजनीति से प्रेरित मानता हूं, पर मैं ये भी मानता हूं कि उसी राजनीति की प्रेरित होकर के अगर मोदी जी की सरकार ये कानून लाएगी तो कांग्रेस उसका विरोध करने का साहस नहीं करेगी। आप देखेंगे कि पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस अपने इमेज को मेकओवर कर रही है। बताया जाता है कि जनेऊ पहनते हैं, कैलाश मानसरोवर की यात्रा को देश भर में प्रचारित करने के लिए एजेंसी ली जाती है। झाबुआ में बड़ी सभा हुई, उस सभा का चित्र रिलीज नहीं किया, चित्र रिलीज किया महाकाल को जल चढ़ाने का। मध्य प्रदेश के चुनाव घोषणा पत्र में गाय, गौशाला, गौमूत्र, इसका वायदा किया गया। एक अध्यात्म का मंत्रालय बनाया जा रहा है। कांग्रेस जिस सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पे चल रही, मेरा अंदाजा है कि बिल आया तो यह तो हो सकता है कि कांग्रेस बहिर्गमन करे, वोट ना दे, पर इसकी संभावना मुझे कम लगती है कि कांग्रेस इस बिल के विरोध में मतदान करे। आलोक जी, एक सवाल आपसे यह भी था कि बार बार इसको चुनाव, चुनावी फायदा, ध्रुवीकरण, सीटों में बढ़ोतरी, कमी, इन चीजों से जोड़कर देखा जाता है। अब भी यही माहौल है कि अगर मंदिर नहीं तो वोट नहीं, पहले मंदिर या नुकसान फायदा, इस तरह का गणित बार बार राम मंदिर को लेकर क्यों होता है? हम इस गणित से सहमत नहीं है। हमारे लिए ये आध्यात्मिक लड़ाई है, हमारे लिए ये राष्ट्र की प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित करने की लड़ाई है जी। मैंने सुना है कि आज राहुल गांधी जी से ये प्रश्न पूछा गया था कि क्या अगले आम चुनाव में मंदिर का इशू क्रिटिकल होगा। राहुल जी ने कहा कि नहीं, मंदिर के मुद्दे पे चुनाव नहीं होगा, विकास के मुद्दे पे चुनाव होगा। मैं, हमारी भी कामना है कि राम जन्मभूमि चुनावी मुद्दा नहीं हो, वोटों के गुणा भाग का मुद्दा नहीं हो, मंदिर एक राष्ट्रीय सहमति से बने।
पहले कुछ दल हिंदुत्व से परहेज करते थे, अब नहीं करते। इसलिए राम जन्मभूमि का मुद्दा एक व्यापक सहमति से सुलझ गया तो ये वोटों के गणित से बाहर आ जाएगा। नहीं, फिर ये इसमें सर ये भी कहा जाता है कि अगर ये मुद्दा सुलझ गया तो फिर आगे वोटों की फसल कैसे कटेगी? इसलिए सुलझ जाना चाहिए ना विपुल जी। नहीं, सुलझ तो जाना चाहिए सर, लेकिन को भी जी जी और कांग्रेस को भी एक कदम आगे आकर यह घोषणा कर देनी चाहिए कि अयोध्या में जन्म स्थान ने बदल नहीं सकता, मंदिर वहां बने। और विश्व हिंदू परिषद ने यह कहा है कि अयोध्या के बाहर जहां मुसलमानों की आबादी हो, एक बड़ी जगह मुसलमानों को सरकार दे और वहां भव्य मंदिर बन जाए, चाहे लखनऊ में बन जाए, वहां भव्य मस्जिद बन जाए। अयोध्या में मंदिर, जहां उनकी आबादी है वहां मस्जिद, और दोनों समाज परस्पर सहकार्य से आगे रहें। ये फॉर्मूला काम क्यों नहीं कर पाया? आप लोगों ने तो कई बार यहां पर एक तरह से बातचीत की टेबल पर आप लोग आए, ये जो फॉर्मूला है ये काम क्यों नहीं कर पाता? मैं समझता हूं कि इसलिए नहीं कर पाता कि पहले बहुत सारे दल हिंदुत्व के इशू पर राजनीति करते थे। ठीक, हम कार सेवा के लिए आते थे तो भी कहते थे परिंदा पर नहीं मार सकता। आज उस तरह की बातें करने का कोई साहस नहीं करता है। आज देश का वातावरण है कि सब मिलकर कोशिश करेंगे तो सहमति से बनेगा और राजनीति से ऊपर उठकर बनेगा। एक बात और की जाती है आलोक जी की, 90 के दशक में और आज के दशक में बहुत अंतर आ गया है। ये कहते हैं कि जो आज का युवा है वो दूसरे मुद्दों को देखता है, इस मुद्दे को वो बहुत पीछे छोड़ चुका है, उस वक्त जैसा जुनून अब नहीं है, नहीं ये मुद्दा उस स्तर पर प्रासंगिक नहीं रहा है। आपने बड़े बड़े कार्यक्रम किए हैं, रामलीला मैदान में हम खुद मौजूद थे, क्या आपको लगता है क्या बदल गया है? जिनको लगता है कि बदल गया है उनसे पूछना पड़ेगा। हमको तो आश्चर्य हुआ, रामलीला मैदान में 11 बजे हमने सभा बुलाई थी, 11 बजे मुझे उस क्षेत्र के डीसीपी ने कहा कि हम रामलीला मैदान में प्रवेश बंद कर रहे क्योंकि ये लबालब भर गया है। और रामलीला मैदान से 3 किलोमीटर तक की सड़कें, राजघाट आईटीओ तक, ये सभा में बदल गई, लोग बैठकर सुन रहे थे। रामलीला मैदान ने इससे बड़ी सभा आज तक नहीं देखी थी। और सारा प्रेस गवाह है कि आधे से ज्यादा लोग उसमें नौजवान थे। इसलिए राम का विषय, राम के इतने लाख वर्ष बीत जाने के बाद, लेकिन और राम मंदिर का विषय नहीं बन पाया, 450 साल बीत जाने के बाद भी युवा विषय है, हमारी जीन्स में है। और सरकार पर दबाव अभी नहीं बनाए, पर हम उसको बढ़ाने की चेष्टा करेंगे और आशा करेंगे कि हम इसमें आगे सफल हों। लेकिन जिस तरह से ये पूरा मामला है, बुनियादी सवाल, जो लोग इस आंदोलन से जुड़े रहे हैं या जिन्होंने उसे अपनी आंखों से देखा है या जिनकी आशा आकांक्षा है, वो एक प्रश्न पूछना चाहते हैं कि आखिर कब मंदिर का निर्माण होगा, या फिर यूं ही ये इस तरह से मामला चलता रहेगा? हम तो इसका ये उत्तर देना चाहेंगे, और रामलला हमारे साथ हुए तो यह सत्य हो जाएगा कि पार्लियामेंट अगले सेशन में, फरवरी के सेशन में कानून पास कर दे, बाधाएं दूर हो जाएं और हम लोगों को देश भर से कार सेवा के लिए बुला सकें। संभावनाएं ऐसी दिख नहीं रही ना आलोक जी कि अगले सेशन में भी सरकार कुछ करेगी, क्योंकि कहीं दूर दूर तक कोई संकेत नहीं है। हमारे और आपके आशावाद में अंतर है जी। और अगर संतों का भी यही मत बना कि सरकार नहीं मान रही है,
तो फिर संत जो आदेश देंगे वो देश में होगा। ठीक, एक प्रश्न आपसे और कि अब अयोध्या में सरयू के तट के नजदीक भगवान राम की विशालकाय प्रतिमा लगने जा रही है, ये जो तमाम चीजें हैं अयोध्या दिवाली पर अब रोशनी से जगमगाती है, ऐसी जो कोशिशें हो रही हैं क्या इससे कुछ हद तक संतुष्टि है? मैं आपको कहूं कि मुझे आनंद है कि राम की राजधानी में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा राम की होगी। गिनीज रिकॉर्ड में 3.25 लाख दीप जले यह दर्ज होने का आनंद है। इसके पहले मुलायम सिंह जी ने भी वहां पे राम संग्रहालय बनवाया था। पर सच कहूं तो हमारे चित्त को शांति तब होगी जब राम लला टेंट में ना होकर भव्य मंदिर में गर्भगृह में प्रस्थापित होंगे और संपूर्ण देश का हिंदू कांटेदार तारों में से नहीं एक योग्य मंदिर में जाकर उनको प्रणाम कर सकेगा। क्या 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 आप भरोसा दिला पाए या कुछ ऐसा आप बता पाए क्या ये टेंट में रामलला की आखिरी सर्दी है? आखिरी सर्दी का मुझे पता नहीं जी। पर मैं जितनी बार भी आंखें बंद करता हूं मैं उस भव्य मंदिर को देखता हूं और मुझे विश्वास है कि ये लड़ाई अब सफलता की ओर पहुंचेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बेबाकी से अपनी बात रखने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें वक्त दिया। भी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। तो ये हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार, जिनका कहना था कि सरकार को कानून बनाना चाहिए क्योंकि अब जो इंतजार है वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन हमें उम्मीद है कि कोई ना कोई फैसला जरूर होगा। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।